हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आप देख रहे हैं 8 बजे की 8 स्पेशल रिपोर्ट। देखिए 5 रिपोर्ट हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। अगली रिपोर्ट दशहरे पे उड़ान से जुड़ी अच्छी खबर को लेकर है। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी रही जेट एयरवेज एक बार फिर उड़ान भरने की तैयारी में है। दावा है जेट एयरवेज को 2 नए मालिक भी मिल गए हैं, लेकिन आगे चुनौतियां भी आसान नहीं है। वो कंपनियां कौन सी है और क्या होगा जेट एयरवेज का भविष्य, सारे सवालों के जवाब देती ये रिपोर्ट देखिए। क्या फिर उड़ान भरेगी जेट एयरवेज? जेट एयरवेज को मिला नया मालिक। साल भर पहले की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। अप्रैल 2019 में जेट एयरवेज बंद होने के बाद सड़कों पर आ गए थे कंपनी के करीब 17,000 कर्मचारी। अब इनको जल्द खुशखबरी मिल सकती है। लंदन की कॉलरॉक कैपिटल और यूएई के निवेशक मुरारी लाल जालान जेट एयरवेज के नए मालिक हो सकते हैं। हालांकि इनके सामने चुनौतियां कई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि जेट एयरवेज अपना बकाया कर्ज कैसे चुकाएगी, जिसमें फ्यूल कर्ज, कैटरिंग कर्ज, बैंकों के कर्ज शामिल हैं। साथ ही साथ इनके सामने बड़ी चुनौती होगी एक नई टीम बनाने की, जो जेट एयरवेज को फिर से उड़ान भरने में मदद कर सके। लंदन के कॉलरॉक कैपिटल और यूएई के निवेशक मुरारीलाल जालान जेट एयरवेज के नए मालिक हो सकते हैं। एयरलाइंस कंपनी को कर्ज देने वालों ने इस कंसोर्शियम के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। कंपनी के पुराने कर्मचारी इस खबर को बड़ी राहत मान रहे हैं। पुराने जो बकाए ड्यूज हैं वो करोड़ों में इस वक्त फिलहाल हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो नया मैनेजमेंट होगा, जो उनकी फाइनेंशियल कमिटी होगी, वो किस प्रकार से इन सारे ड्यूज को क्लियर करती है। पिछले साल नरेश गोयल की मनमानी नीतियों के चलते जेट एयरवेज दिवालिया हो गई थी। कंपनी को खरीदने के लिए दुनिया भर के कई संस्थान आगे आए, लेकिन बात नहीं बनी। अब खबर है कि जेट एयरवेज की दिवालिया प्रक्रिया के लिए नियुक्त किए गए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने इंसॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड के सेक्शन 30 सबसेक्शन 4 के तहत लंदन की कॉलरॉक कैपिटल और मुरारीलाल जालान वाले कंसोर्शियम की बोली को अप्रूव कर दिया है। भारत के काफी नामी ग्रामी एयरलाइंस थी, एविएशन सेक्टर में उसका एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर था, और जो भारत का पैसेंजर लोड बढ़ा है पिछले 10 सालों में, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जेट एयरवेज उड़ाता था, भारत के अंदर और भारत के बाहर विदेशों में भी। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो ये न केवल भारत की इकोनॉमी के लिए, एविएशन सेक्टर के लिए, और जो लोग एयरलाइन बंद होने की वजह से जिनका जॉब चले गए हैं, आई थिंक उन लोगों के लिए एक काफ़ी अच्छी खबर है। हालांकि अभी तक कॉलरॉक कैपिटल और मुरारीलाल जालान को जेट एयरवेज का नया मालिक घोषित नहीं किया गया, लेकिन नए मालिकों के पास पुराने बकाए का भुगतान करना बड़ी चुनौती होगी। जहां तक बात इंप्लॉयज की, जो ड्यूज थे उस ड्यूज का तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज अब इंप्लॉयज फिलहाल ये चाहते हैं कि भाई एयरलाइन शुरू हो जाए। ड्यूज अगर नहीं भी मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर उन्हें फिर से काम पे बुला लिया जाता है तो। इसमें 2-3 पक्ष हैं। एक तो ये कि 17,000 जो एम्प्लॉय थे उस समय जहाज भी 150 से ऊपर थे, तो मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली 150 जहाज हवा में उड़ा पाएंगे ये लोग। तो आई थिंक ये थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच में काम चालू होगा, बिकॉज एयरलाइंस रिवाइव करना इतना आसान नहीं है। पर यस, इतने जहाज जरूर उठने पड़ेंगे जिससे कि एयरलाइंस एटलीस्ट थोड़ा प्रॉफिट बनाती रहे और आगे बढ़ती रहे। तो उस स्थिति में मुझे लगता नहीं कि 17,000 जो एम्प्लॉय जिनके जॉब गए थे वो सारे अपने जॉब पर वापस आ पाएंगे। पर यस, मेजोरिटी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आ पाएंगे। कॉलरॉक कैपिटल के नेतृत्व वाले कंसोर्शियम ने जेट एयरवेज के देनदारों को कुल 886 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी चुनौती ये है कि जेट एयरवेज को खरीदने वाले कंसोर्शियम को एविएशन इंडस्ट्री का अनुभव नहीं है। ये कंसोर्शियम दुनिया भर में रियल एस्टेट, माइनिंग, ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन, FMCG और ट्रेवल टूरिज्म में काम करता है। 18 अप्रैल 2019 को जेट एयरवेज ने आखिरी बार उड़ान भरी थी। इसके बाद देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के 17,000 कर्मचारी सड़कों पर आ गए। अब जब नए निवेशक सामने आए हैं तो उम्मीदें जगी हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि एक तरफ जहां एविएशन इंडस्ट्री की हालत पहले से ही खस्ता हाल है, वहीं कोरोना संकट काल में मुसीबतें बढ़ गई हैं। इन हालातों में क्या जेट एयरवेज एक बार फिर से उड़ान भर पाएगी?